नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 14 जनवरी को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर खेला जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम की परफेक्ट प्लेइंग 11 के बारे में, और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे उन दो बड़ी खबरों की जो इस मुकाबले से पहले निकल कर आ रही है। दोनों बहुत ही बुरी खबरें हैं, पूरी तरह से विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और यदि आप चाहते हैं कि इस पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराए तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन दोनों बड़ी खबरों की जो इस मुकाबले की शुरुआत से पहले निकल कर आ रही है। तो पहली खबर यहां पर निकल कर आ रही है वेदर फोरकास्ट को लेकर। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 14 जनवरी को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच मुंबई के वानखेड़े के मैदान के ऊपर बादल छाए रहेंगे। बारिश आने की वहां पर बहुत ज्यादा आशंकाएं हैं, 50-60% वहां पर बारिश आने की आशंकाएं हैं। पूरी तरह से बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं वहां पर चलने वाली। तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले के दौरान भैया वेदर रिपोर्ट बहुत ही बुरी निकल कर आ रही है। ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा रहने वाली, जो दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को बहुत ही परेशान कर सकती है। तो पहली सबसे बुरी खबर यही है कि इस मुकाबले पर बारिश का साया जरूर है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी खबर की। तो यह खबर है भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत। जी आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत की T20 टीम में रोहित शर्मा की वापसी हो गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि रोहित शर्मा के साथ भारतीय टीम के लिए ओपनिंग कौन करेगा, केएल राहुल या फिर शिखर धवन। दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही शानदार फॉर्म में है। श्रीलंका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में दोनों ही खिलाड़ियों ने रन बरसाए थे, लेकिन अब यहां पर भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि कौन रोहित शर्मा के साथ आज ओपनिंग करने के लिए उतरने वाला है। जहां तक मुझे लग रहा है कि शिखर धवन इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करेंगे और केएल राहुल को रेस्ट पर रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे आरोन फिंच के साथ डेविड वार्नर, नंबर 3 पर मार्नस लेबुसगने, नंबर 4 पर स्टीव स्मिथ, नंबर 5 पर एलेक्स कैरी, नंबर 6 पर एस्टन टर्नर, नंबर 7 पर एस्टन अगर, नंबर 8 पर पैट कमिंस, नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क, नंबर 10 पर केन रिचर्डसन और नंबर 11 है पर एडम जैम्पा। तो कुछ ऐसी होने वाले यहां पर इस महामुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। वहीं हम भारत की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे शिखर धवन के साथ रोहित शर्मा, नंबर 3 पर भारतीय कप्तान विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर केदार जाधव, नंबर 7 पर रविंदर जडेजा, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और नंबर 11 है पर जसप्रीत बुमराह। तो कुछ ऐसी होने वाली इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस महामुकाबले को, कौन सी टीम जीतेगी इस सीरीज को, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।